नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार अंतिम छोर पर चल रहा है, जहां पार्षद प्रत्याशी पूरे जोर के साथ अपने चुनावी मैदान में उतर गए हैं। इसी कड़ी में वार्ड नंबर 6 से भाजपा प्रत्याशी रैना धीरज सुराना के नेतृत्व में महाजनसंपर्क रैली निकाली गई, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, बालाघाट के राडले विधायक व आयोग अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धुबारे, महेंद्र सुराना, भाजपा नेत्री मौसम हरिन खेड़े, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष भूपेन सुहागपुरे, अभय सेठिया, अभय कोचर, पंकज कर्वे, सिद्धांत पाटिल सहित सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अन्य युवा वार्ड से भारी संख्या में जन समर्थन के साथ यात्रा निकाली गई, क्योंकि संपूर्ण वार्ड का भ्रमण कर भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान का प्रचंड बहुमत से विजय बनाने हेतु आशीर्वाद दिया गया। वार्ड नंबर 6 के सर्वांगीण विकास के लिए भाजपा प्रत्याशी को विजय बनाने के लिए अपील की गई। और कुछ दूरी पे वार्ड नंबर 8, ये जो हमारा जो एरिया है, बड़ी घनी आबादी का क्षेत्र है, सकरी गलियां है, और यहाँ का जो पूर्व पार्षद है उसने एक तौर से सदैव कहा कि मैंने इस वार्ड को वोट दे दिया तो इसको पूर्ण विकास दे, और अभी मैंने जब इस वार्ड का जानकारी प्राप्त किया तो मैंने देखा कि ये सब बातों का जमा खर्च है, इस वार्ड से बहुत काम आता है। जो हमारे वार्ड नंबर 6 और 7 हैं, इन वार्डों में विकास की असीम संभावना है। कल हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के पार्षद प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार उनके आशीर्वाद के लिए उन्हें विजय से करने की अपील को लेकर आए। एक बात का विचार करिए, घने बादल कब बादलों से वर्षा न हो जाए, कब बादल पहाड़ों से न टकराए, अपने जान की परवाह के बगैर मुख्यमंत्री जी ने हमारे मध्य आकर के हमारे बीच में आकर के अपील की है। और मैं मुख्यमंत्री ने जो कहा उस बात को कहना चाहता हूँ, जो सरकार करने वाले उसको मैं कहना चाहता हूँ। बालाघाट के वार्ड नंबर 6, वार्ड नंबर 7, बालाघाट से वीरेंद्र श्रीवास की रिपोर्ट।